मेरा नाम मोहम्मद मकबूल मिराज है, मैं बिहार हाजीपुर से हूँ। मेरी बीवी मायके में है और हमसे झगड़ा कर लिए। 6 महीने से बातचीत बंद है, कोई जवाब नहीं दे रही है। और मैं फिर चाहता हूँ कि दूसरी शादी करने के लिए, मगर ये इंडिया है, मुझे डर लगता है कि कहीं केस नहीं कर दे। क्या प्रोसेस है? मैं तो उसे तलाक भी नहीं देना चाहता हूँ, मगर अगर वो खुला भी नहीं ले रही है तो क्या प्रोसेस है? मैं दूसरा शादी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मेरी बीवी हमसे बातचीत नहीं कर रही है, 6 महीने से बातचीत बंद है, ब्लॉक की हुई है। और मैं परेशान हूँ कि मैं उलझन में पड़ा हूँ, बीचों बीच लटका हुआ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो आप बताइए कि मैं क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मकबूल भाई हैं, इनका सवाल ये है कि इनकी बीवी इनको छोड़ के चली गई है, इनको ब्लॉक करके रखा है, बातचीत नहीं हो रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है, और ये कहते हैं कि मैं उसको तलाक नहीं देना चाहता, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो मैं दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं। कहते हैं कि डर लगता है, दूसरी शादी किया तो इसने केस उस कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे दो मसला है, एक शरई मसला और एक हिंदुस्तान के एतबार से कानूनी मसला। तो शरई मसला तो बहुत ही क्लियर है कि आप दूसरी कर सकते हैं, अगर वो भाग के ना भी गई होती, आपके साथ रह रही होती हंसी खुशी, तो भी आप दूसरी कर सकते थे, तीसरी कर सकते थे, चौथी कर सकते थे। तो एक मुसलमान एक वक्त में 4 शादी कर सकता है, और उसको इसके लिए पहली बीवी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 4 शादी कर सकता है। उसको ये हक है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक दिया है, इस हक को कोई छीन नहीं सकता है। और जो इसको चैलेंज करता है, इस हक को पसंद नहीं करता है, इसके खिलाफ जो है नफरत जाहिर करता है, उसका तो इस्लाम ही गया, वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। वो जो अल्लाह उसके रसूल के इस कानून से नफरत करे, वो मुसलमान नहीं है। और ऐसी कोई औरत जो इसको नापसंद करे, कि यानी ये माने कि अल्लाह उसके रसूल का यह कानून है और अल्लाह उसके रसूल ने यह कानून सही नहीं बनाया, ये ठीक नहीं होना चाहिए, तो ऐसी औरत को तो साथ में रखना ही नहीं चाहिए जो नफरत करे अल्लाह उसके रसूल के कानून से। बल्कि शेख बिन बाज रहमुल्ला ने कहा है कि ऐसी औरत काफिर हो जाएगी, या ऐसा कोई भी शख्स जो चाहे मर्द हो चाहे औरत जो ये कहे कि इस्लाम में ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, ये गैर मुनासिब बात है, वो मुसलमान नहीं रह जाएगा। तो शरई एतबार से बिल्कुल हर शख्स आज़ाद है, वो चाहे तो दूसरी कर सकता है, तीसरी कर सकता है, चौथी कर सकता है एक वक्त में। रही बात ये हिंदुस्तानी कानून के एतबार से, तो ये आप किसी वकील से जाके पूछिए कि क्या मसला है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि अभी तक ऐसा कोई कानून सामने नहीं आया है कि एक मुसलमान एक के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुसलमान के लिए पर्सनल लॉ है, वो आज़ाद है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इसमें कोई मुदाखलत अब तक नहीं होती है हुकूमत की तरफ से, लेकिन फिर भी आपको मशवरा ये है कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले किसी जानकार वकील से कॉन्टेक्ट करें, उससे पूछें कि इसका क्या प्रोसेस है। तो मैं आपको सिर्फ शरई हल बता रहा हूँ कि शरीयत की रोशनी में आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ये औरत आपको छोड़ के ना भी गई होती तो भी आप कर सकते थे, शरई एतबार से कोई मसला नहीं। लेकिन कानूनी एतबार से क्या दुश्वारी आ सकती है, तो वो मैं नहीं आपको बता सकता, वो आप किसी वकील से मिलके आप बताइए, क्योंकि हम कानूनदान नहीं है। जो कानून यहाँ के जानते हैं, जो माहिर हैं, जो वकील हैं, उनसे जाके ये सवाल कीजिए, वो आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस है और क्या क्या दुश्वारियाँ आ सकती हैं और आपको क्या क्या करना है। उनसे जाके किसी अच्छे वकील से कॉन्टेक्ट करके उससे मशवरा लीजिए। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।